इतनी भी ठीक है, दो पीछे से रख ले। हे गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल माय फूड क्रश एंड वी आर बैक विद आवर न्यू वीडियो। सो गाइज आज हम जा रहे हैं जनकपुरी में कुछ भी चलेगा पे और वहाँ पे मिलते हैं बहुत सारे बढ़िया बढ़िया प्लेटर्स। आपने काफ़ी बार मेरे रील्स के अंदर देखा होगा तो यार बाहर तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो इसलिए आज हम घर में इंटर शूट कर रहे हैं। सो यार फटाफट चलते हैं, हम वहाँ की प्लेटिंग दिखाते हैं और टेस्ट करके बताते हैं कि वहाँ का टेस्ट कैसा है। ठीक है, सही है, ठीक है, डन। ऊपर से ग्रेवी डाल दी उसकी वाली फिर से रख। ठीक है, डाल ठीक है, दो पीछे से रख ले। ठीक है, ऑर्डर नहीं है। लगातार ही डालते रहो, थोड़ी थोड़ी डालना बस। बस काफी है, हल्की सी डालना, मीठा हो जाएगा पूरा, हल्का हल्का डालना। दो लाइन बहुत है। सो गाइस हमारे दोनों प्लेटर बन के रेडी हो चुके हैं गाइस। ये देखो, ये हमारा बुकड़ प्लेटर, ये हमने वेज लिया है जिसको मैं ट्राई करके आपको बताऊंगा। और गाइस ये हमारा केबीसी क्रंची प्लेटर और ये नॉन वेज है, इसको आपको सागर ट्राई करके बताएगा भाई। हमेशा की तरह आपको पता है मैं तो वेज का रिव्यू करूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं, मैं आपको पहले अपना वेज वाला प्लेटर दिखाता हूं। इसके अंदर आपको मिल जाएगा मोमो पाव, आपका पोटैटो वेजीज, आपका पास्ता मिल जाएगा इसके अंदर, और आइसक्रीम और क्रीमी मोमोज मिल जाएंगे चार पीस। तो गाइस देखने में तो बहुत ज़्यादा लोडेड लग रहा है मेरे को प्लेटर, तो इसको फटाफट से ट्राई करते हैं और बहुत टेम्पटिंग भी है। और इसके साथ में आपको ये ड्रिंक भी मिल जाएगी। तो भाई ये हमारा मोमो पाव और मैं एक बार से खोल के दिखाता हूँ आपको। अपने वड़ा पाव तो भाई बहुत बार ट्राई किया होगा बट मोमो पाव सिर्फ आपको यहीं पे मिलेगा केबीसी पे। अंदर एक क्रंची सा मोमो रखा हुआ है और भाई पूरा एकदम बढ़िया सा बना रखा है, उसको बाइट लेके देखते हैं। तो यार बढ़िया टेस्ट है इसका एकदम। आप जो नॉर्मल वड़ा पाव ट्राई करते हो भाई थोड़ा सा अलग है, ये अंदर मोमो डाल रखा है, एकदम क्रंची मोमो है, हल्का सा स्पाइसी है खाने में, कुछ एकदम यूनिक है। मतलब भुक्कड़ प्लेटर तो इनका बहुत सही है। तो इसके अंदर दूसरा आइटम ट्राई करते हैं, पोटैटो वेजीज ट्राई करके देखते हैं भाई अंदर कॉर्न की फिलिंग वगैरह कर रखी है, देखने में तो शानदार लग रहा है। थोड़े से पोटैटो तो इनके बहुत ज़्यादा क्रंची थे, अंदर से कॉर्न की फिलिंग है, हल्की सी चीज़ की फिलिंग कर रखी है भाई, बहुत माइंड ब्लोइंग टेस्ट है। केबीसी तो मतलब फेमस ही है अपने यूनिक चीज़ों के लिए, आपने पहले भी उस पर वीडियो बना रखी है, अगर आपने वो नहीं देखे तो भाई उसको भी देखना, आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। कब ट्राई करते हैं अपना चीज़ पास्ता, थोड़ा तो पास्ता की क्वांटिटी वो भी अच्छी खासी है, दो बंदों के लिए इनफ है ये प्लेटर और प्राइस भी अफोर्डेबल ही है। प्लेटर के अंदर को मिक्स सॉस पास्ता मिल जाएगा और उसका टेस्ट भी भाई बहुत सही है, चीज़ के साथ लोडेड है, टेस्ट एकदम बैलेंस्ड है भाई, मतलब पूरा प्लेटर एकदम बढ़िया लगा मेरे को। तो गाइस मैंने तीन आइटम ट्राई करे, इसमें से तीनों मेरे को बहुत बढ़िया लगे। तो अब बारी है भाई क्रीमी मोमोज ट्राई करने की। गाइस मोमोज आप देख सकते हो वो भी एकदम लोडेड हैं भाई, अच्छे खासे मोमोज का साइज़ भी है पर लोडेड कुछ ज़्यादा ही है ये। तो भाई बारिश में मोमो खाने का तो मज़ा ही अलग है। हाँ मोमो का टेस्ट नेक्स्ट लेवल लगा मेरे को भाई, फिलिंग भी बहुत अच्छी है, जो नहीं सॉस है ऊपर से उन्होंने लगा रखी है क्रीम,
भाई नेक्स्ट लेवल टेस्ट है, थोड़ा सा हाथ मेस हो जाएगा खाने में, आप फोक से खा सकते हो। तो मेरे को फीलिंग दिखानी थी इसलिए मैंने आपको तोड़ के दिखाया। वैसे आजकल बारिश हो रही है, बारिश में तो मोमो खाने का मतलब भाई दिल्ली और दिल्ली के अंदर भाई बारिश में मोमो खाने का मज़ा ही अलग है। क्योंकि अपनी आइसक्रीम तो नॉर्मल से यार ट्राई कर सकते हो, मैं आपको मोहितो ट्राई करके बताता हूँ। यार फूड आइटम हमने सारे ट्राई कर लिए भुक्कड़ प्लेटर में से इनके, तो अब बारी है अपनी मोहितो ट्राई करने की। यार बहुत रिफ्रेशिंग है यार। ओवरऑल अगर आप भुक्कड़ प्लेटर इनके ट्राई करोगे तो मतलब आपको कंप्लीट वर्थ लगेगा। हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा टेस्टी है, मज़ा आ गया इसको खा के। इस अगर आप इनका भुक्कड़ प्लेटर ट्राई करोगे आपको कंप्लीटली वर्थ लगेगा। आपको ये इनके तीनों आउटलेट के ऊपर मिल जाएगा, जो पश्चिम विहार में जनकपुरी पे और इनका एक और आउटलेट है उसकी जो लोकेशन डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वहाँ से चेक कर सकते हैं। सो ये जो नॉनवेज प्लेटर आपको सागर ट्राई करके बताएगा। बाकी आइसक्रीम तो नॉर्मली होती है, आप इनको भी ट्राई कर सकते हो और वो मेल्ट भी होगी थोड़ा, मौसम भी गर्मी वैसा वाला ही हो रहा है। चलो यार अब सागर की बारी है आपको नॉनवेज प्लेटर ट्राई करके बताने की। और ये तो भाई एक नंबर था, मज़ा आ गया। तो गाइज नमन ने आपको वेज प्लेटर का टेस्ट करके बता दिया और प्राइस वगैरह सब उसने बता दिया। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ नॉन वेज प्लेटर। तो देखो इसमें क्रंची चिकन है, आइसक्रीम, क्रंची स्प्रिंग रोल्स और सारी चीज़ें जो हैं जो क्रंची है। और गाइज इसका प्राइस जो होगा 350 रुपीज़ रहेगा। तो अब मैं तुम्हें इसका टेस्ट बताता हूँ कि कैसा है। आपको बर्गर खा के दिखाता हूँ, ये देख लो इसका बर्गर। इस क्रंची बर्गर की पैटी इतनी क्रंची और मतलब इतना सॉफ्ट है चिकन, मतलब कई बर्गर खाए होंगे कि बहुत हार्ड होते हैं, बट इसकी पैटी बहुत बहुत सॉफ्ट है। अब मैं आपको स्प्रिंग रोल खा के दिखाता हूँ, देख रहे हो कितना बड़ा साइज है इस स्प्रिंग रोल का। नॉनवेज स्प्रिंग रोल तो मैंने पहली बार ट्राई करा, मेरे को बहुत अच्छे लगे इसके। मैंने बताया आपको कि मैंने इसके स्प्रिंग रोल ट्राई करे और मेरे को पर्सनली बहुत अच्छे लगे। बाकी इस प्लेटर की क्वांटिटी इतनी है कि दो बंदे आराम से खा लेंगे आकर। तो आप इसको ट्राई करो, बाकी मैं तुम्हें अब चिकन मोमोज खा के दिखाता हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। ये देख रहे हो, ओ भाई पूरा चिकन भरा हुआ है। तो भाई चिकन मोमोज का जो टेस्ट है ना, मतलब मैंने बहुत बारी चिकन मोमोज खाए हैं, जो चिकन मोमोज लवर होते हैं उनको बहुत पसंद आने वाला है ये। बाकी अब जो है सब कुछ वो तुम आओ और आके ट्राई करो, कुछ भी चलेगा प्लेटर पे। नॉनवेज प्लेटर है ये, 350 रुपीज़ और दो बंदों के लिए सफिशिएंट है, मतलब इतनी क्वांटिटी बहुत है मतलब। और इसके साथ में ना कोक भी मिलेगी तुम्हें, छोटू कोक, इसके बिना तो कुछ पूरा ही नहीं होता। तो गाइस हमने दोनों प्लेटर ट्राई कर लिए और यार बहुत बढ़िया लगे हमें दोनों प्लेटर। अगर आप थोड़ी बारिश आ रही है इस वजह से हम फटाफट से वीडियो खत्म करते हैं। सागर ने बताया कि उसको चिकन प्लेटर बहुत बढ़िया लगा और वेज प्लेटर तो मैंने आपको बता दिया कि एकदम मौसम था। तो गाइस अगर वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कर देना और लोकेशन आपके डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दूंगा। चलो यार मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।